ही गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के दिन हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं वन ब्लॉक। तो इसमें मैंने इतनी सारी ग्राइंडिंग करी है कि मेरे पे डायमंड के पिकेक्स मिल चुके हैं और मैं अभी अभी माइनिंग करके भी आया हूँ, जिससे मेरे को नेदर रैक, नेदर वॉल्ट और सोल सॉइल मिला, बस और कुछ नहीं मिला लावा के अलावा और पिगलिन हॉगलिन और इन मॉब्स के अलावा। तो चलो पहले मैं फर्स्ट पर्सन में आके आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास क्या क्या दिखा देता हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें आई है। और मैं फर्स्ट पर्सन में भी आ चुका हूँ, तो पहले मैं नीचे चलता हूँ। ये रास्ता टूटा हुआ है क्योंकि गलती से मेरे से टूट चुकी थी लैडर्स। और मैं अपना सामान भी रख देता हूँ चेस्ट में। ये अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ, पहले ये सब रख देता हूँ। ये भी कॉफरे स्पेशल भी रख दो, फ्लिंट एंड स्टील का भी अभी कोई काम नहीं है, यूज़ ही नहीं हुआ है वैसे। इन सबको पहले आगे रख लो, खाना वाना सब। और अभी मैं एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि मेरे को बहुत मुश्किल से मिली है और मैंने बहुत ग्राइंडिंग भी करी है उसके लिए। तो सरप्राइज, ये वाली चेस्ट नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये थी, सॉरी, ये मेरे को मिल चुकी है डायमंड चेस्ट प्लेट और 32 डायमंड्स। बस और कोई नेदरराइट स्क्रैब नहीं मिला है, बट मेरे पास चेस्ट प्लेट आ चुकी है डायमंड वाली। अभी मैं इसे पहनता हूँ भाई, डायमंड की चेस्ट प्लेट। आर्मर की हेल्थ भी बढ़ चुकी है, ये आर्मर नया नया है। और पहले जब घास ने अटैक करा था तो उसके बाद मैंने पूरी जगह को कवर भी कर लिया है। अभी मैं डायमंड की चेस्ट प्लेट अपने साथ ही रखूँगा और साथ में मेरे पास 32 डायमंड्स हैं, तो उनसे मैं डायमंड की सॉर्ड भी बना लूँगा, बट अभी नहीं, बाद में बनाऊँगा मैं डायमंड की सॉर्ड। अभी मेरे पास एक डायमंड पिकैक्स है, अभी जब मैं नेदरराइट ढूंढ लूँगा तब बनाऊँगा मैं डायमंड वाली सॉर्ड। तो पहले से बंद करके चलते हैं। मैंने अपने इस वाले पूरे आइलैंड में फेंसिंग कर दी है क्योंकि पिछली बार में गिरने से बहुत कुछ हो गया था, बहुत सारा कुछ सामान में खो गया था। और ये यहाँ क्या कर रही है, हैं तो तेरा घर है भैया, हैं है? और वो हमारा ट्री हाउस है और वो एक्सपी फार्म, सब मैंने ठीक कर दिया है। और यहाँ से मैंने सीढ़ियों पर भी फेंसिंग कर दी है, इस वाले आइलैंड पर भी फेंसिंग कर दिया। और हेलो पप्पू, अरे यार मैंने तो इन गेम प्लेयर नेम ऑफ कर रखा था, दिखेगा नहीं। और मेरा, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे पीछे घर था, उसका नामो निशान भी नहीं है अब क्योंकि वो मैंने हटा दिया। और वो कहाँ चढ़ा हुआ है, उसे छोड़ो। और ये मैंने छोटी सी झोपड़ी टाइप की बनाई है, इसमें मैं रहूँगा नहीं, इससे मैं माइनिंग करूँगा। और पीछे आप जब देख पा रहे हो, मैंने पूरी जगह तो ठीक कर दी है और साथ में यहाँ पे देखो, यहाँ क्या भीड़ मची हुई है, मैंने इतनी सारी ब्रीडिंग करी है इनकी, मैं क्या बताऊँ। चलो अब हम अपनी माइनिंग भी शुरू कर लेते हैं, मैं माइनिंग कंटिन्यू करता हूँ। आज मैंने माइनिंग शुरू ही करी थी तब तक के भाई साहब आ चुके हैं। क्या दिक्कत है तेरे को, क्या दिक्कत है, मेरे को शांति से माइनिंग में नहीं करने देगा, इसलिए मैंने ये जगह बनाई है क्योंकि इन जैसे भाई साहब जो है ना, ये बाहर ना आ सके, इसलिए मैंने जगह बनाई है। तो चलो इसको छोड़ो, मैं अपनी माइनिंग कंटिन्यू करता हूँ। एक बहुत बुरी बात हो चुकी है, यहाँ पे आ चुकी है घास्ट। ये प्राणी जब आता है ना, बहुत बुरा संकेत लाता है। इसे छोड़ो, अब मैं इसे मार भी नहीं सकता कि मेरी डायमंड की चेस्ट प्लेट इतनी मेहनत से बना रखी थी वो भी खो चुकी है, क्या करूँ। चलो मैं क्रिएटिव में ही जाकर इसे मार डालता हूँ, चलो क्रिएटिव हो जाता हूँ। गेम मोड सी, ये प्राणी जब भी आता है ना, बहुत बुरा संकेत होता है इसके आने का। अभी मैं इसको बताता हूँ, रुक जा बेटा, तो तूने बहुत जगह बर्बाद कर ली है और देखो तो कैसे बैठ रखा उधर, रुक जा इसको मैं बताता हूँ ना, हैं आया बड़ा। एक तो बारिश भी शुरू हो गई है, तो चलो ये थंडर स्टॉर्म है, मैं आपसे कल सुबह गया, चलो सुबह भी हो चुकी है। और मैंने अपने आयरन के पूरे टूल्स भी बना लिए हैं, वो सब तो ठीक है। अब मैं ठीक कैसे करूँगा जगह को, पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है। उससे बचने का बस मेरे पास एक ही तरीका है, जब भी आता अपनी गंदी सी शक्ल ले आता हूँ कास्ट। अब बस एक ही तरीका है, सेटिंग्स पे जाना होगा और डिफ़िकल्टी जिसे पीसफुल कर देता हूँ, कोई भी मॉब अब स्पॉन नहीं होगा। तो चलो ठीक है, मैं अपनी माइनिंग भी कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो गाइस बहुत ज़्यादा माइनिंग कर तो ली है मैंने, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, मेरे को डर्ट के ब्लॉक नहीं मिले हैं जो कि मेरे को चाहिए। और अभी मैंने घर पर भी चेक नहीं करा है कि डर्ट के ब्लॉक वहाँ पे भी हैं कि नहीं हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ से डर्ट ले लेता हूँ थोड़ी सी जो भी है मेरे पास। बस ख़त्म हो गई, चलो यार ऊपर चलो,
देखना है घर पे मेरे को कि मेरे पास डर्टी ब्लॉक है क्या नहीं है, एक बार मेरे को चेक करना है। चलो 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 चलो, डर्ट, चलो 58 डर्ट के ब्लॉक इधर पड़े हुए हैं, इनसे तो हमारा काम हो ही जाएगा। और बहुत टाइम से कोई चेस्ट भी नहीं आई है इसमें। चलो चलो चलो, हमारे पास आयरन का तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आयरन तो हमारे पास अनगिनत आयरन है। हाँ, ये करा, ये घास सारी जमीन तोड़ती क्यों है, उसका तो सिर्फ फायर चार्ज जाता है। मेरे को लगता है कि ज़मीन अब कॉबल स्टोन या फिर उसकी बनानी पड़ेगी। चलो, और कौन सी जगह तोड़ी है इस घास ने, और कोई जगह नहीं तोड़ी। चलो मैं माइनिंग ही करती हूँ। गाइस, मैं माइनिंग कर रहा था तो दो तीन बार तो लावा आया और मैंने जितना भी माइन करा हुआ सामान है वो सारा चला जाता। और अभी मेरे को एक किया है क्राइंग ऑब्सीडियन, जिसका मैं जानता हूँ किस लिए यूज़ होता है। वो रिस्पॉन एंकर बनाने में यूज़ होता है क्राइंग ऑब्सीडियन का, तो और वो भी रिस्पॉन एंकर नेदर में यहाँ पे करेंगे तो फिर लास्ट। तो अभी मैं देखता हूँ, मेरे पास डायमंड तो है, अब मैं उसे एक पिकैक्स बना लेता हूँ डायमंड की। यार कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। अब मेरे को एक ट्रिक पता है जिससे हम अपने आइटम डुप्लीकेट कर सकते हैं, बट डुप्लीकेट करने के लिए भी एक बहुत ही महंगी चीज़ लगती है जो कि हर किसी के पास होती नहीं है, और उसे पाना बहुत मुश्किल होता है। यार किधर है स्टिक्स, होनी चाहिए ये। चलो, मैं को जानता था ना कि मेरे पास 5 स्टिक हैं, सॉरी 6 5, पता नहीं कितनी हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे क्या है, मैं अपना वो, अरे यार इधर क्यों क्लिक करो क्या, मैं यहाँ से अपने डायमंड की पिकैक्स बना देता हूँ। बना तो मैं अपना पूरा आर्मर सकता हूँ, एक गोई बना लेता हूँ। चलो, बना तो मैं अपना पूरा आर्मर सकता हूँ, बट अभी मैं बना ही ना हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि क्या होगा। अब अगर मैं पूरा आर्मर बनाता हूँ ना तो सारे कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसकी जगह किसकी जगह लूँ, स्ट्रिंग की जगह, ठीक है चलो। अरे यार चलो चल, अरे यार चल। तो गाइस, मैं माइनिंग ही कर लेता हूँ ऊपर चल के, यहाँ पे तो मैं दिखाऊंगा तो ऊपर चलते चलते तो देर हो जाएगी, मैं चलता हूँ। और अब मैं जैसे ही मैंने वो क्राइंग ऑब्सीडियन माइन करा तो मेरे को एक चेस्ट मिली, तो चलो उस चेस्ट को खोल के देखते हैं। ओ भाई, इस चेस्ट का नाम है कॉफर स्पेशल, और इसमें नेदर स्टार है, और 4 1 2 3 4 5 5 गिलासेस भी, और 3 ऑब्सीडियंस हैं। कलेक्ट कर लेता हूँ नेदर स्टार। मेरे ख्याल से यही रेसिपी होती है वो बनाने की, क्या नाम है उसका, बीकन। अरे ये मैग्मा ब्लॉक के ऊपर है। अभी पहले मैं एक बार जाके देखता हूँ कि बीकन बनाने की यही रेसिपी होती है या फिर दूसरी रेसिपी होती है, जाकर देखता हूँ एक बार। शायद यही रेसिपी होती है बीकन की, मैं एक सर्च मारता हूँ बीकन। सर्च मारने से पहले ही आ गई यार इसकी रेसिपी, यही रेसिपी होती है। तो इसका मैं क्या करूँ, बीकन ही तो बनाते हैं इससे, और क्या ही करूँ मैं, बीकन बनाते हैं इससे। चलो इसे बीकन ही बनाते हैं हम अपना एक बीकन, हमारे पास अपना खुद का बीकन। भाई अब बीकन के लिए लगेंगे आयरन ब्लॉक, जो कि मैं अभी इकट्ठा कर रहा हूँ। गाइस, मैंने अभी 3 स्टैक आयरन के ब्लॉक बना लिए और 16 लैडर भी बना लिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने लैडर क्यों बनाई है। मैंने इसलिए नहीं बनाई है कि यहाँ पे टूटा हुआ है, इसे तो मैं कभी भी ठीक कर सकता हूँ। मैंने लैडर इसलिए बनाई है क्योंकि हम अपने घर के ऊपर लगाएंगे बीकन को, तो उसके लिए मेरी एक्स एक्स एक्स, ये रही मेरी एक्स। चलो, जैसे इनका था ऐसे एक यहाँ से जी। चलो ऊपर चलते हैं। हाँ, यहाँ पे इधर 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 इधर, अरे अरे सामान भी लैडर के साथ साथ नीचे चला गया, ठीक है उनको कोई टेंशन नहीं। वैसे यहाँ पे तो कुछ नहीं आ पाएगा भाई, यार कहाँ लगाऊँ बीकन को, कहाँ लगाऊँ। अरे यार मैं नीचे गिर गया, उनको समझ नहीं आ रहा। मैं बीकन के लिए जगह बना लेता हूँ, चलो एक बीकन के लिए भी जगह बना लेता है। गाइस, मैंने सोचा वीकेंड के लिए जगह बनाने की ज़रूरत क्या है,
जब मेरे पास बीकन के लिए जगह पहले से ही है। वैसे बीकन के लिए 9x9 का स्क्वायर बनाया जाता है, जो कि मेरे को पता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ से भी 9x9 का स्क्वायर बनाना है, इसलिए मैं 3 स्टैक लेकर आया हूँ। 1 2 3 4 5, अरे यार हट जा टॉर्च, 6 7 8, 9x9 का तो ऐसे ही बन गया वो। अब 1 2 3 4 ऐसे करके मैं यहाँ से भी मिला देता हूँ। चलो 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 चलो, अरे एक मिनट, ये शायद ये कम पड़ जाएंगे। आयरन फार्म तो मेरे पास है ही, टेंशन तो किसी बात की नहीं है। हमने अपना खुद का पहला बीकन भी बना लिया है, चलो बढ़िया बात है कि बीकन बन चुका है। अरे अरे अरे, मैं गिरने वाला था भाई, बीकन के साथ गिरता मैं, ऐसा ऐसा रिस्क नहीं ले सकता मैं, बीकन के साथ नहीं गिर सकता मैं अपना सामान खो दूँ, बट बीकन नहीं खोना चाहिए। चलो 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 चलो, ये वाला स्टैक ख़त्म हो गया, ये वाला चल जा चल जा। चलो चलो चलो, कंप्लीट हो जा बस। हाँ, 9x9 का स्क्वायर तो कंप्लीट हो चुका है, अभी नहीं हुआ, एक जगह बाकी है ये। हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि अब 9x9 का स्क्वायर ख़त्म हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ से भी ऐसे ही करना है यार, बोरिंग काम है, इससे बढ़िया कोई काम मिल जाता हो तो ठीक ठाक, बट नहीं, बीकन से भी शक्तियाँ मिलेंगी हमें, अलग अलग टाइप के पोशन इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। हाँ चलो, अरे यार मैं गिरने वाला था, अच्छा चलो बचल। तो मैं ये 9x9 का स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद, गाइस मैंने पूरा स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, मेरे पास 28 आयरन के ब्लॉक्स अभी भी बचे हुए तो हैं, बट अभी मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने अभी कुछ टाइम पहले यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, जिससे आप अपने आइटम डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो उसमें बीकन का यूज होता है, तो मैं बीकन का यूज इधर करूँ या फिर डुप्लीकेट आइटम करने में करूँ, वैसे मेरे पास एक प्लान है, चलो इधर ही कर लेते हैं, साथ ही साथ वो भी जाएगा। ये हमारा बीकन एक्टिवेट हो चुका है भैया, और बीकन बीकन बीकन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऐसा लग रहा है हवा में उड़ रहे हूँ भाई। अब इसमें क्या करना है, पहले मैं आयरन बना लेता हूँ। हाँ, अब मुझको यहाँ से क्या जाना है, आयरन से ट्रेड करना है, हम इसमें एमरल्ड से लेकर नदराइट, डायमंड, गोल्ड किसी से भी ट्रेड कर सकते हैं। मेरा आयरन किधर है, हो रहा, यस मेरे को क्या चाहिए, मैं पहले, ये मेरे ख्याल से स्पीड है, स्ट्रेंथ लूँगा मैं, स्ट्रेंथ पहले, मेरे को स्ट्रेंथ चाहिए, क्या आ रही है इसमें कोई समझ नहीं आ रहा है। चलो स्ट्रेंथ ले लिया, आए क्यों नहीं, स्ट्रेंथ और रीजनरेशन है ना, हाँ रीजनरेशन है, अभी देखते हैं रीजनरेशन करता क्या है। स्ट्रेंथ का तो मेरे को पता लग गया क्या होता है स्ट्रेंथ से, एक मिनट स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, किसी को अपनी जान गंवानी होगी। इन मासूम बकरियों को, ओ भाई एक ही बारी में जा रहे हैं, ये बढ़िया है, एक ही बारी में सब के सब नॉकआउट हो रहे हैं मेरे से, मेरे से कोई नहीं बच सकता, मैं बहुत ताकतवर हूँ। हटो हटो यार, मेरे को स्ट्रेंथ अभी यहाँ पर नहीं यूज़ करनी चाहिए, सारे जानवर मार दूंगा मैं। चलो स्ट्रेंथ तो ठीक है, स्ट्रेंथ अनलिमिटेड रीजनरेशन सब आ चुका है मेरे पास, अब मैं ट्राई करूँगा रीजनरेशन को। कैसे करना है वैसे, ट्राई कैसे करूँ, इतने से तो हमें डैमेज पड़ना चाहिए। मैं आर्मर भी उतार देता हूँ, आर्मर उतारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जूते उतार देता हूँ, क्योंकि जूते ही हमें फॉल होने से बचाते हैं। देखता हूँ, अरे चलना भाई, यस भाई, बस 3 मिनट का डैमेज हुआ फिर भी, चलो ठीक है, इतनी ऊंचाई से गिरेंगे तो 3 मिनट का डैमेज होगा। तो चलो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, नहीं नहीं आउटडोर में थर्ड पर्सन में आगे करूँगा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी काम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।